जहां एक ओर विकास की गति बहुत ही धीमी है, वहीं दूसरी ओर लोगों का सब्र अब धीरे धीरे टूट रहा था। जब सब्र की सीमा टूट गई, तब वार्ड नंबर 49 की महिलाओं ने वार्ड के पार्षद जमीरा खातून से मुलाकात की और उनसे कहा कि हमारी बस्ती में सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, वह टूट गया है। वार्ड की पार्षद जमीरा खातून ने उसी दिन उस बस्ती में जाकर लोगों के साथ सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि यह शौचालय मार्च महीना 2012 में सुबोध कांत सहाय ने बनवाया था, लेकिन 2012 के बाद इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। जमीरा खातून से पहले जो पार्षद थी वह तो सिर्फ नाम की पार्षद रह गई। कहते हैं ना, जब वोटों की जरूरत होती है तब जनता को सर का ताज बनाया जाता है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है जनता को जूते की धूल बराबर भी नहीं समझा जाता। उसी तरह पहले की पार्षद ने जनता की गुहार को अनसुनी कर दी और वह शौचालय नहीं बना। आज इस शौचालय का पुनः शिलान्यास वार्ड पार्षद 49 की जमीरा खातून ने अपने व्यक्तिगत राशि लगाकर शौचालय का पुनर्निर्माण कराया। इसी के साथ रांची से P3 न्यूज झारखंड के लिए पूजा और माधवी की देखिए एक रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जो वादा की थी उस वादा में खरी उतरी हूँ। और महिलाएं लोग बहुत खुश है, शौचालय का लेके बहुत समस्या था, उस वादा को मैंने आज पूरा किया। ये कब से शौचालय? 8 साल पहले का शौचालय था जिसमें काफ़ी समस्या हो रही थी, बहुत सारा मरम्मत था, जैसे पाइप फटा हुआ था और जो भी प्लास्टर वगैरह था वो सब टोटली ख़राब था, गेट ख़राब था। इस कारण का लेके सभी महिलाओं मेरे पास गई और बोली कि हमने बहुत जगह गया, आज तक सुनवाई नहीं हुई। मैं इस वादे के साथ ये लोग को बोली कि चलो मैं आ रही हूँ, और मैं आके इस वादे को पूरा किया। क्या ये जो आपने करवाया? नहीं नहीं, ये हमारे जो भी खर्च हुई है या हमारे पैसे से हुई है। इसमें नगर निगम का कोई रोल नहीं? जी नहीं। अपना परिचय दीजिए। वार्ड 49 की पार्षद जमीला खातून। अभी तो हम यही बोलेंगे, जो पहले था तो पहले का जैसा है, और अभी जो बना है वो तो मतलब कहने लाजवाब है, कहने लायक नहीं है, है ना। और हमारे जो पार्षद जी हैं उनको हम धन्यवाद करते हैं, चैनल को धन्यवाद देते हैं, और जितने आप मेरे भाई बहन हैं सबको धन्यवाद देती हूँ मैं। और ये मैं कहूँगा कि जब हम इनका पास गए सब महिलाएँ मिल के, इन्होंने हमसे मिले, बात किए, पूरा तय किए कि हम आएंगे देखेंगे, उसके बाद फिर ये आए देखें, बराबर आए हैं, जब भी गए हम लोग बराबर आए देखे उखे, तो लगा इनको कि हाँ ये सही में बहुत यहाँ गलत है। इस तरह का हो गया था कि हम लोग पैर रखने का जगह नहीं था, और कभी 2012 में बना कभी मरम्मत नहीं हुआ, कोई झांकने नहीं आया। बहुत जगह हम लोग गए हैं, बहुत जगह अप्लीकेशन दिए, कोई नहीं है। हम लोग जैसे पुष्पा तिरपी थे, तिरकी थे, उनका पास गए, उससे पहले बबलू महली थे उनका पास गए, नवीन जसवाल के पास गए, कोई यहाँ आया नहीं। तब हम लोग तय किए कि अब इधर उधर थक गए दौड़ के, अब हम लोग को पार्षद अपना ही है, ये है गांव बस्ती का, तो हम लोग उनका पास जाएं। तो ये गए, ये जैसे देखे सुने हम लोग को दुख दर्द आए, और जो इनका था अपना देख दाख के पूरा मिस्त्री सामान गिरा उरा दिए, और अभी तक तो उनका अपना जो पॉकेट से जो खर्च हुआ उन्हीं से सब काम करवाए हैं। मिला इसमें मतलब गेट टूटा हुआ था, ये दीवार हिल रहा था, और अंदर का जो पेन बैठने वाला वो बार बार भर जाता था, बार बार भरता था, इतना दिक्कत होता था, पूरा गंदा पानी इधर से उतर के पूरा नाली में रोड में इतना गंद देता था, हमको इतना डर लगता था हम लोग को कि कहीं बीमारी ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। और अभी जिस तरह की बीमारी चला हुआ तो सबका मन में भय पैदा था। तो हम लोग फिर तय किए और गए हम लोग जमीला खातून का पास, हमारी अपनी पार्षद है, अब वो उनका पास गए, उनको लगा तकलीफ हम लोग को सुन के कि चलो जाना चाहिए देखना चाहिए, आए देखे काम उम किए, अभी फिनिशिंग कर दिए हैं। और मैं इतने कह के धन्यवाद करता हूँ सबको, क्यों राजकुमारी देवी। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल को धन्यवाद दूंगी कि यहाँ तक आकर हमारी सारी बातों को
सरकार तक पहुंचा रही हैं। और यहाँ की जो वार्ड संख्या 49 की पार्षद हैं जमीला खातून जी, उनको धन्यवाद दूंगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों को शौचालय का बहुत ज़्यादा दिक्कत था, क्योंकि ये एक गरीब बस्ती है, यहाँ पे सारे घरों में शौचालय का सुविधा नहीं है, तो इसीलिए सारे लोग इसी को यूज करते, इसी शौचालय का उपयोग करते, बस गिने चुने घरों में शौचालय है। तो ये 2012 में सुनील सहाय के द्वारा बनाया गया था, तो उसके बाद क्या है कि कुछ भी ये नहीं हुआ, मतलब उसके बाद 8 साल हो गया बनाया हुआ, कुछ मरम्मत वरम्मत कुछ भी नहीं हुआ, 8 सालों में इसका कंडीशन बहुत ख़राब हो गया। तो क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, पाइप वगैरह फट गया, पूरा रास्ता में शौचालय का पानी चला जाता था, और हम लोग ये सोच रहे थे कि शौचालय का पानी जिस तरह से बह रहा है उससे इन्फेक्टेड हो के लोग बीमार भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। तो हम लोग आवेदन बनाए और लेडीज़ लोग मिल के मीटिंग किए कि हम लोग पार्षद महोदया के पास जाते हैं, वो हम लोगों का सुनेंगी बात। हम लोग आवेदन बना के पार्षद महोदया के पास गए, सभी लेडीज़ मिल के पार्षद महोदया को अपना तकलीफ बताएं, वो सुनी समझी और आश्वासन दिया कि ठीक है ऐसा है तो हम आएंगे, देखेंगे और काम करेंगे। कितने दिन में ये काम